हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 27,426 नए संक्रमित मिले, 103 लोगों की मौत, लखनऊ। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर लगातार भयावह होती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट ने एक बार फिर लोगों को दहशत में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में 27,426 नए मरीज मिले हैं, ये एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। गुरुवार से तुलना की जाए तो 4,987 अधिक संक्रमित केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राजधानी लखनऊ का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। 24 घंटे में लखनऊ में 6,558 केस आए हैं। यहाँ पर 35 लोगों की मौत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2,344 नए संक्रमित मिले हैं। प्रयागराज में 1,758 और कानपुर में 1,403 नए संक्रमित केस मिले हैं। प्रदेश में गुरुवार को लखनऊ में 5,183, वाराणसी में 1,859, प्रयागराज में 1,888 और कानपुर में 1,263 नए संक्रमित मिले थे। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,23,307 टेस्ट कराए गए थे। इस बार का संक्रमण बेहद घातक साबित हो रहा है। अधिकांश मामलों में संक्रमित होने के बाद लोगों की हालत तेजी से बढ़ रही है। नया म्यूटेंट वायरस पहले की अपेक्षा अधिक घातक साबित हो रहा है। इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों को संभालने का समय नहीं मिल पा रहा है। कई लोग तो टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। अब तो हर दिन नए संक्रमित के मिलने और मृतकों की संख्या का रिकॉर्ड टूट रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और बलरामपुर हॉस्पिटल को अगले 24 घंटे की अवधि में कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को दिया है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।